हमारा लेक्चर है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, याद रखिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब ये होता है, ठीक है, इक्वेट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को बैलेंस कर देना, तो इक्वेट से ही इक्वेशन का जो मीनिंग निकला है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, यानी कि एसेट्स बराबर है लाइबिलिटीज के और ओनर इक्विटीज के। एसेट्स क्या है, याद रखिएगा, एसेट हमारे पास दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह के होते हैं, दो टाइप के हमारे पास एसेट्स होते हैं, याद रखिएगा। पहली टाइप है करंट एसेट्स की और सेकंड टाइप है फिक्स एसेट्स की। करंट एसेट से मुराद ऐसे एसेट्स या ऐसे असासे जो कि एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसे कहते हैं करंट एसेट। और ऐसे एसेट्स जिनको कन्वर्ट होने में एक साल से ज्यादा का दौरानिया लगता है, इसे कहते हैं फिक्स एसेट्स। एसेट से मुराद याद रखिएगा हमारे वो असासा जात होते हैं जिन जो चीज हमारे पास मौजूद होती है या वो चीज जिसकी हम मलकियत रखते हैं। जैसे कि करंट एसेट की अगर हम मिसाल लें तो करंट एसेट में हमारे पास बहुत सारे एसेट्स आते हैं जिसके अंदर सबसे पहला है कैश, बैंक बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, प्रीपेड आइटम्स। और फिक्स एसेट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे बहुत जो ज्यादा यूज होने वाले जो फिक्स एसेट्स हैं उनके अंदर बिल्डिंग, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट होते हैं। इसी तरह हम आगे चलते हैं, हमारे पास जो लाइबिलिटीज हैं वो भी दो तरह की होती हैं। याद रखिएगा कि लाइबिलिटी हमारे पास एक होती है करंट और एक होती है लॉन्ग टर्म। ये फिक्स लाइबिलिटी नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है इसका दौरानिया बहुत ज्यादा लंबा होता है। करंट का मतलब ऐसी लाइबिलिटीज, ऐसी जिम्मेदारियां जो कि हम एक साल के अंदर अंदर अदा कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स पेएबल, सैलरीज पेएबल, रेंट पेएबल। और ऐसे लाइबिलिटीज जिनको अदा करने के लिए हमारे पास एक साल से ज्यादा का अरसा मौजूद हो, जैसे कि लोन, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो लोन को आप 5 साल, 10 साल या 6 साल में अदा कर सकते हैं, इसलिए ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर आता है। इसके अलावा डिबेंचर्स होते हैं वो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं। और थर्ड जो हमारे पास है वो है ऑनर्स इक्विटी। ऑनर इक्विटी का मतलब याद रखिएगा, ऑनर इक्विटी का मतलब ये होता है कि ऑनर जो अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आता है उसे कहते हैं ऑनर इक्विटी, यानी कि उसकी जो मलकियत होती है, कैपिटल जो होता है उसे कहते हैं ऑनर इक्विटी। तो ऑनर इक्विटी के अंदर जो हमारे पास आइटम्स या जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो ऑनर्स का यानी कि मालिक का लगाया हुआ पैसा शामिल होता है। याद रखिएगा अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि बराबर है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, यानी कि हमारे पास जो कुछ भी मौजूद है वो इन दोनों चीजों के बराबर है। एसेट्स का मतलब हमारे पास असासा जात, गाड़ी, घर, बंगला, बिजनेस प्रॉपर्टी, जो कुछ भी है। और लाइबिलिटी अगर हमने किसी से कर्जा लिया हुआ है बैंक बिजनेस के हवाले से, जो हमारी अदायगियां हैं फ्यूचर की वो हमने अदा करनी है, इट इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। एंड ऑनर इक्विटी इज कॉल्ड ऑनर्स इन्वेस्टमेंट।